ऐसे बहुत सारे दिवाली आएंगे जो अपन को ऐसे ही मनानी पड़ेगी हॉस्पिटल में। ईसीजी करने के लिए हमारे पास ईसीजी मशीन भी है। मेस वाले ने पूरा का पूरा एक नमक का पैकेट हमको दे दिया। अच्छा लगता है जब आपके काम में कोई ऐसा शामिल होता है। आज है 23rd of October एंड आज है इंडिया पाकिस्तान की मैच। तो इस दिवाली के शुभ अवसर पे उनके घर पे एक लक्ष्मी आई। हे गाइस, बहुत दिनों के बाद व्लॉग बना रहा हूँ। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8, मैं रेडी हो चुका हूँ और मुझे जाना है सावनेर। द सावनेर इज लाइक अ छोटा सा टाउन फ्रॉम नागपुर, अराउंड 40-45 किलोमीटर्स की दूरी पे है। तो मैं वहाँ इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरी RHTC पोस्टिंग स्टार्ट हो गई है। इट स्टैंड्स फॉर रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर पोस्टिंग्स। सो अभी मैं निकल रहा हूँ। सबसे पहले मुझे कृथार्थ को पिक करना है क्योंकि वो पूरे ये सावनेर की पोस्टिंग्स में मेरे साथ ही है। शिवम एंड रोमन का ड्यूटीज थोड़े अलग अलग टाइमिंग्स पे है तो वो ज्यादा व्लॉग्स में नहीं दिखेंगे अभी 2 महीने, बट कृथार्थ मेरे साथ ही है तो उसको पिक करता हूँ एंड देन हम निकलने वाले सावनेर के लिए। सो यू आर वॉचिंग डॉक्टर स्ट्रॉन्ग, आई एम डॉक्टर ऋषि एंड वेलकम टू द 13th व्लॉग। अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पे कृथार्थ के घर के नीचे, वो आने वाला है अभी थोड़ी देर में बस। तो आज की ड्यूटी के बारे में बताना ही भूल गया कि आज हमारी है 24 आवर्स की ड्यूटी। वैसे तो होने वाली थी 30 आवर्स की ड्यूटी, बट क्योंकि कल दिवाली है तो उसके लिए हमको कल 6 घंटे की थोड़ी छुट्टी मिल गई है, बट 24 आवर्स की ड्यूटी करनी है। देखते हैं आज का एक्सपीरियंस कैसा होता है। या आने के बाद जल्दी से निकलते हैं। पहुंचा हूँ मैं, परफेक्ट 9 बजे पहुंच गए हम यहाँ पे, ऑन टाइम पहुंचे। लेट निकले थे बट जल्दी पहुंच गए। एंड आज सबसे पहले आने के बाद यहाँ पे अटेंडेंस लगा दिया, बट आज है 23rd of October एंड आज है इंडिया पाकिस्तान की मैच। तो होप्स हो कि ज़्यादा पेशेंट ना आए, थोड़ा सा अच्छे से मैच इन्जॉय कर सके हम। तो देखते हैं आगे क्या होता है। सो लेट मी गिव यू एन इनसाइड व्यू ऑफ RHTC सावनेर। सो चलते हैं अंदर, बट उसके पहले ये जो बाहर की बिल्डिंग है ये OPD है एंड दिस इज़ द मेन कैजुअल्टी बिल्डिंग। सो Let's get inside the building. अपघात विभाग, that means casualty. अभी सुबह सुबह तो ये बंद है, but यहाँ पे है प्रयोगशाला जो इन्वेस्टिगेशन सेंटर रहता है एंड यहाँ पे ऑप्थैब की टेस्टिंग का भी सेंटर है अंदर, इसलिए वहाँ पे लिखा है नेत्र तपास कक्ष। ये जो है यहाँ पे ये जनरल वार्ड है आने के बाद, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये यहाँ पे हम बैठते हैं, वर्किंग स्टेशन है, हम यहाँ पे पेशेंट्स देखते हैं। ये जो है ये है एक लाइक माइनर OT टाइप का एक रूम है जहाँ पे कोई भी क्लीनिंग ड्रेसिंग हो गया, सूचरिंग से हो गया, कोई भी पेशेंट अगर सीरियसली आता है सबसे पहले उसको यहाँ पे लेके आते हैं। ECG करने के लिए हमारे पास ECG मशीन भी है। ECG के लीड्स है लिम्ब लीड्स, चेस्ट लीड्स, इसके बारे में किसी और ब्लॉग में बताऊँगा आपको। ये है मॉनिटर एंड यहाँ पे कुछ इसेंशियल्स रखे हैं जो हमको इमरजेंसी कंडीशंस में काम आते हैं। सो दिस इज हाउ इट लुक्स, माइनर OT टाइप का एक रूम। अभी ऑलमोस्ट 3 बज रहे हैं एंड अभी तक यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग केस एंड एक बहुत सीवियर केस आया था, तो उन केसेस के बारे में आपको मैं बाद में बताता हूँ। बट अभी फिलहाल हम खा रहे हैं खाना एंड देख रहे हैं इंडिया की मैच विद डॉक्टर कृथार्थ। सो अभी तक तो इंडिया अच्छा खेल रही है एंड होप सो आगे अच्छा खेले एंड जीत जाए मैच। होप सो इंडिया विंस। इंडिया फाइनली जीत गई भाई, इंडिया आज जीत गई। हमारा टिफिन आया रात का, तो यहाँ पे एक्चुअली एक मैस है जहाँ से हमने टिफिन बुलाया था, बट सरप्राइजिंगली एक चीज हुई है, हमने टिफिन तो मंगाया बट वो मैस वाले ने पूरा का पूरा एक नमक का पैकेट हमको दे दिया। पता नहीं क्यों दिया है, हमने मांगा भी नहीं है ये, बट ये क्यों कैसे आ गया आई डोंट नो, वी डोंट नो एंड इसका करेंगे भी क्या वो भी नहीं पता। तो एक ये फनी चीज हुई, अभी देखते हैं इसका क्या करते हैं। तो अभी जस्ट हमें पता चला कि यहाँ पीने के पानी की तो कोई अरेंजमेंट ही नहीं है हमारे लिए, और जो सुबह से लाई थी 2 बॉटल्स, एक रुथार्थ ने लाई थी एक मैंने लाई थी, तो वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे आई है। तो अभी हम बाहर जाते हैं एंड देखते हैं, पानी का थोड़ा प्रबंध करते हैं
एंड देन वापस आते हैं एंड देखते हैं सावनेर लाइक प्री दिवाली दिन कैसा दिखता है, वो दिखाता हूँ आपको। तो फाइनली बहुत ढूंढने के बाद हमको पानी की बॉटल मिल गई। चलो रात का इंतज़ाम हो गया अच्छे से। सो ऐसा कुछ दिखता है सावनेर शाम को, ऑलमोस्ट अभी 7:30 बज रहे हैं, पानी मिल गया है, अब वापस चलते हैं क्योंकि अगर पेशेंट्स आएंगे तो हम दोनों यहाँ पे हैं तो उनको कौन देखेगा। जल्दी से जाते हैं एंड वापस ड्यूटी ज्वाइन करते हैं। ऋषि देखेगा, ऋषि देखेगी। हाँ ठीक है, कौन देखेगा, ऋषि देखेगी। एक दिवाली ऐसी भी गाइस, बिल्कुल होनी चाहिए ऐसी भी दिवाली, काइंड ऑफ डिफरेंट दिवाली वाइब्स पार्ट वन। ऐसे बहुत सारी दिवाली आएंगे जो अपन को ऐसे ही मनानी पड़ेगी हॉस्पिटल। यस, तो आगे के फ्यूचर्स के लिए भी हम तैयार हो रहे हैं, प्रिपेयर हो रहे हैं कि कैसे दिवाली हमारे लाइफ में जाने वाली है या अदर फेस्टिवल हमारे लाइफ में कैसे सेलिब्रेट होने वाले हैं। इट्स अ काइंड ऑफ ट्रेलर फॉर दैट। सो अभी आ गए हमारे हॉस्पिटल में, यहाँ पे अंधेरा है भाई, वापस से लाइट ही गई है यार इधर, या सुबह से बहुत ज़्यादा लाइट जा रही है, बहुत ज़्यादा। कल दिवाली है तो उसका पूरी कसर आज निकाल लो कि आज बचा लो ताकि कल यूज़ करोगे तो अच्छा है। सी यू गाइस लाइट आने के बाद। गाइज अभी ऑलमोस्ट रात के 1 बज चुके हैं एंड अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले डिनर किया, तो अभी कैजुअलिटी थोड़ी लाइट शुरू है, कुछ देर से पेशेंट नहीं आ रहे हैं एंड होप सो आगे आए भी ना ताकि हम थोड़ा रात में चैन से सो सके। बट टुडेज कैजुअलिटी वॉज वेरी एक्साइटिंग येट थ्रिलिंग बट थकाने वाली भी थी एंड बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। सो आज के जो भी केसेस थे वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तू बता कि तेरा कौन सा केस सबसे बढ़िया लगा तुझे आज। मेरा फेवरेट केस तो तब आया जब हम लोग एक RTA के पेशेंट की ड्रेसिंग कर रहे थे और सिस्टर ने हमारे आगे एक ट्रे में एक बेबी को ले आए, तो हम पूछे सिस्टर को कि यार सिस्टर इसे कहाँ से ले आए, तो सिस्टर ने हमें तब बताया कि इसका डिलीवरी ऑटो में हुआ है। तब फिर हम बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुए, फिर हम मदर की हिस्ट्री वगैरह लिए तो फिर हमें समझा कि हाँ ये सच है एंड लकीली द बेबी वॉज हेल्दी फाइन, 3+ वेट बर्थ वेट था, इमीडिएटली क्राइड आफ्टर बर्थ और फिट एंड फाइन एंड शी वॉज वेरी क्यूट। बट मदर को पेरिनियल टेयर्स हुए जो हमारे सर ने आके रिपेयर किए एंड मदर से हमारी बात हो रही थी तो मदर ने हमें बताया कि उन्हें ऑलरेडी 2 लड़के थे और उन्हें हमेशा से एक लड़की चाहिए थी, तो इस दिवाली के शुभ अवसर पर उनके घर पर एक लक्ष्मी आई। दैट वॉज अ मोमेंट जब उन्होंने हमें ये बताया और दे वर वेरी रियली वेरी हैप्पी और इसी खुशी में उन्होंने पूरे हॉस्पिटल में हम सब लोगों को मिठाई बांटी। आज काफ़ी ज़्यादा केसेस हमने देखे, सारे वैरायटीज़ के केसेस देखे। तेरा कौन सा फेवरेट था ऋषि? ऐसे एज सच फेवरेट नहीं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग केसेस थे बट मेरे हिसाब से लाइक जो RTA केसेस आए थे, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के केसेस बहुत सारे आए आज, तो बहुत सारा हमें क्लीनिंग एंड ड्रेसिंग, सूचरिंग, बहुत सारा जो सर्जरी हमें एड डेज पे मिलता था वो आज हमें वापस से एक्सपीरियंस करने को मिला, तो वो एक काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ थी कि एक पेशेंट जो कि बहुत क्रिटिकल हालत में आ रहा है, वी हैव टू मैनेज दैट पेशेंट ऑल बाय आवर ओन। सो उस टाइम पे हमें क्या करना है, कैसे डिसीजंस लेने हैं एंड क्या ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट सबसे पहली देनी चाहिए, तो वो हमें समझना था, हमें वो एक्सपीरियंस करने को मिला क्योंकि हम पहले डॉक्टर्स थे, दोज वर कमिंग डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट जब वो सबसे पहले हॉस्पिटल में आता है। सो इट वॉज रियली अ नाइस एक्सपीरियंस एंड बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली एंड जैसे कि हमें सिखाया जाता है थियोरीज़ में कि हाँ ऐसा करना है वैसा करना है, बट द थिंग इज़ जब तक आप वो चीज़ प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस नहीं करते हो, जब तक वो चीज़ आप खुद अपने हाथों से या खुद सोच के नहीं करते हो, तब तक आपको उस चीज़ का एक्चुअल फील नहीं आता है। सो वो एक्चुअल फील आज मिला बहुत ज़्यादा क्योंकि एज अ डॉक्टर्स हमने लिटरली काम किया यहाँ पे फर्स्ट टाइम, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जब तू सूचरिंग कर रहा था तब एक बहुत इंटरेस्टिंग केस आया था, बताओ, स्नेक बाइट वाला। एक फीमेल थी वो घर पे साफ सफाई कर रही थी तो उसने तो उसको उसके लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर पे स्नेक बाइट हुआ, तो वो पैनिक, उसका हस्बैंड पैनिक, यहाँ पे आए दौड़ते दौड़ते, उन्होंने बताया कि स्नेक बाइट हुआ है, बट हमें पता नहीं था, हम श्योर नहीं थे कि कौन सा स्नेक था, तो हमने एक सर्प मित्र को उनके घर भेजा स्नेक को पकड़ने के लिए। तो फिर वो स्नेक निकला हमारा इंडियन वुल्फ स्नेक जो नॉन वेनमस होता है,
उन्होंने पकड़ के लाया, तब हमें कन्फर्म हुआ कि चलो भाई ये नॉन विनेबल है, और हमने फॉर सेफ साइड उसका WBC टीवी रख दिया था, और 20 मिनट्स के बाद वो क्लॉट हो गया था, तो फिर हमें हम श्योर थे, बट स्टिल हमने उसको पेशेंट को हमने ऑब्जर्वेशन के लिए अभी भी यहाँ बाजू में रखा है। यहाँ से अगर कोई भी क्रिटिकल पेशेंट आता है तो हमारा सबसे पहला यही काम रहता है कि उस पेशेंट को स्टेबल करो, जितना प्राइमरी ट्रीटमेंट दे सके उतना दो। यू हैव टू मेक श्योर कि उस पेशेंट को जल्दी से जल्दी प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट मिले, तो हम उसके लिए उसको हायर सेंटर्स जैसे GMC नागपुर यहाँ से रेफर करते हैं। और भी इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छे केसेस आए थे, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस और काफ़ी कुछ सीखने मिला, सारे वैरायटीज के केसेस हमारे आज कवर हो गए। एंड आई एम वेरी वेरी ग्लैड कि लाइक ऐसा कोई इंटर्न मेरे को मिला जिसके साथ मैं लिटरली अभी रात के 2 बज रहे, एंड ही इज़ विलिंग टू शूट विथ मी, एंड ही इज़ विलिंग टू लाइक मेक व्लॉग्स, है ना, पार्टिसिपेट कर रहा है, मेरे व्लॉग्स बना रहा है, मेरे को कॉन्टेंट दे रहा है। सो अच्छा लगता है जब आपके काम में कोई ऐसे शामिल होता है एंड अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि लाइक मेरे को पता है कि मेरी इंटर्नशिप बहुत अच्छी जा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ माई को इंटर्न्स, ये शिवम एंड रोमन यहाँ पे नहीं है, बट ही इज़ देयर एंड ऑलवेज सपोर्टिव कि हाँ ऐसा वो दोनों होते तो और ज़्यादा मज़ा आती। हाँ आएंगे व्लॉग्स में आगे वो भी, बट ये बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ देता है कि ऐसे शूट कर वैसे शूट कर, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट ही इज़ विथ मी, है ना। लाइक आज का हमारा 24 hours का ड्यूटी था, बट लिटरली लगा भी नहीं कि 24 hours का था, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ द कंपनी आई हैव एंड जस्ट बिकॉज ऑफ हिम, थैंक्स टू हिम टू। यस, तो और 7 घंटे है हमारे कैजुअलिटी ख़त्म होने के लिए, होप हमारी नींद आज कोई बिगाड़े ना, बस ना बिगाड़े तो अच्छा है। गुड नाइट ब्रो, गुड नाइट, चलो। यस, कुत्ते बहुत लगे बेचो। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, सो मैं अभी उठ गया हूँ, अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं, एंड होपफुली रात में ज़्यादा कोई पेशेंट्स नहीं आए, एक दो ही पेशेंट्स आए थे। सो आज की डेट है 24th of October 2022, जो कि है दिवाली। सो विशिंग यू अ वेरी हैप्पी एंड वेरी प्रॉस्परस, डिलाइटफुल, कलरफुल, अमेजिंग एंड ऑसम दिवाली दिस ईयर। सो आज की दिवाली मतलब यहाँ से शुरुआत हुई है, मेरी फर्स्ट टाइम ऐसे लाइफ में हुआ है कि मेरी दिवाली हॉस्पिटल से शुरुआत हुई है, नहीं तो हमेशा घर पर रहता हूँ। मैंने डिसाइड किया था कि मैं सुबह का सनराइज़ देखूंगा इन सावनेर, बट हम एक्चुअली सोए 4 या 4:30 बजे, एंड देन इसलिए अभी थोड़ा सा लेट उठना हुआ है। तो ये जो है पीछे, ये हमारा हॉस्पिटल है। सो ये हॉस्पिटल है, मेरे को यहाँ पे साइड में दिख रहा है कि एक सीढ़ी है जो कि मैं ऊपर जा सकता हूँ जिससे, तो ट्राई करते हैं थोड़ा ऊपर जाके ऊपर का व्यू लेने का कि ये कैसा दिखता है। तो ऊपर टेरेस पे तो आ गया मैं, तो यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है व्यू सावनेर की RSTC का। सो आज लाइक अभी 1 घंटा बाकी है हमारी 24 hour शिफ्ट को ख़त्म होने में। सो ये 24 hours की शिफ्ट में सावनेर में बहुत कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिला, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। बट अभी हमारा इस हफ्ते लगातार ड्यूटीज़ है ही सावनेर के अंदर, बट वो 24 hours की नहीं है, लाइक इट इज़ अ 8-to-2 ड्यूटी। सो उसके बाद नेक्स्ट संडे आने वाला है, उसमें हमारी वापस कैजुअलिटी रहने वाली है, वो रहने वाली है एक्चुअली 30 hours की ड्यूटी। आज हमको 6 घंटे का थोड़ा कंसेशन मिला था जस्ट बिकॉज आज दिवाली है, इसलिए हम थोड़ा घर पर जल्दी जा सकते हैं। बट उस दिन लाइक नेक्स्ट संडे हमारी स्टार्ट होगी ड्यूटी फ्रॉम लाइक 8 AM इन द मॉर्निंग संडे, ख़त्म होगी मंडे को 2 PM को। सो टोटल ऑफ 30 hours ऑफ ड्यूटी रहेगी नेक्स्ट संडे को, तो वो भी एक अच्छा सा बढ़िया सा एक्सपीरियंस होना चाहिए आई गेस। सो इसी के साथ अभी ये व्लॉग शायद एंड करूँगा मैं यहाँ पे। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो, इन केस पसंद आया हो तो फिर एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, and if you are new to the channel please consider subscribing to the channel Dr. Strong and become a part of our channel, our family. So stay tuned for more such interesting vlog of me being an intern in GMCH Nagpur, and if you want to connect with me personally on Instagram, so main uski link de raha hu niche description mein, you can follow me on Instagram as well, kyunki main apni internship uska kuch na kuch wahan pe post karte rehta hu. So if you want to see that please come over there as well. So isi ke sath ye vlog end karta hu main, I hope ki aapko ye vlog pasand aaya hoga,
क्योंकि इस ब्लॉग को बनाने में मेहनत लगी है, तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। सो विद दैट बींग सेड, इस ब्लॉग को हम यही एंड करते हैं। सो हैव अ सेफ एज वेल एज हैप्पी दिवाली दिस ईयर, एंड एज ऑलवेज जय हिंद एंड कीप बींग स्ट्रॉन्ग। अभी अभी हमको सामने में एक ऐस दिखी है, देखिए बड़ा हरामी हो बेटा।